ती कोणत्या धर्माची, जातीची, कुळाची, गोत्राची किंवा आर्थिक परिस्थितीची, हे सारं तिच्या स्त्री असण्याच्या नंतरून येतं. ती लढवय्या, योद्धा, सबला, अबला किंवा नामधारी सत्ताधीश, हे सारं तिच्या स्त्री असण्याच्या नंतरून येतं. ती प्रेमळ, क्रूर, अहंकारी किंवा व्यभिचारी, हे सारं तिच्या स्त्री असण्याच्या नंतरून येतं. तिची जडणघडणच तशी होते त्या त्या वर्गाच्या मुळापाशी. तिची जडणघडणच तशी होते त्या त्या वर्गाच्या मुळापाशी. मग ती शोषिक, ती शोषित आणि तीच तिची गुन्हेगार म्हणून सादर केलं जातं तिला तिच्या समोर. आणि हे सारं सिद्ध करायचं असतं त्यांना, कारण सादर केलं जातं तिला तिच्या समोर, त्यांना हे सिद्ध करायचं असतं, हे सारं तिच्या स्त्री असण्यातून येतं, हे सारं तिच्या स्त्री असण्यातून येतं. प्रत्येकाचा अनुभव विश्व, हर किसी का जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है उसी के ऊपर उसकी जिंदगी सीढ़ियाँ चढ़ते जाती है. उसी तरीके से मेरी जिंदगी भी उसी तरीके से चढ़ती गई और मैं जो कुछ भी आज आपके सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, उसी एक्सपीरियंस की वजह से. इन सब में मेरा औरत जैसा होना बहुत मायने रखता है. मैं जब कम्युनिटी में इंटर की थी, मैंने 18 साल 20 साल एज अ बॉय, लड़का इस तरीके से गुजारे. लोगों ने तय किया था कि मैं लड़का हूँ, मैंने खुद ने नहीं तय किया था, मेरे माँ बाप ने बताया कि मैं लड़का हूँ. लेकिन जब मुझे लगा कि मैं लड़का नहीं हूँ, तब मैंने खुद ये ज़िंदगी चॉइस की और जीना शुरू किया. उसके बाद में मेरे छोटे छोटे ख्वाब थे, जैसे कि यहाँ के पेट्रियार्कल सिस्टम बताती है कि औरत कैसी, अच्छी औरत कैसी होती है, जो पति के अलावा किसी और के बारे में ना सोचे, जो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखे, जो दिन भर खाना पकाए, खुद भूखी रहे लेकिन बच्चों को खिलाए. ऐसी औरत बनना चाहती थी मैं. मेरा को बहुत बड़ा ख्वाब वगैरह कुछ नहीं था. लेकिन औरत होने की क्या क्या क्राइटेरिया है? साड़ी पहननी ज़रूरी है, मैंने साड़ी पहन ली. मैंने बाल बढ़ाए लिए, बाल बढ़ा लिए, बहुत कुछ किया लेकिन औरत नहीं बन पाई, क्योंकि आई एम नॉट रिप्रोडक्टिव. मैं पुनरुत्पादन के काबिल नहीं थी, इसलिए मुझे लोगों ने औरत नहीं समझा. शायद ये ही यहीं की सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं जिससे मोहब्बत करती थी उससे मुझे दूर होना पड़ा. और मुझे लगता है कि यहाँ पर या फिर दुनिया में भी, दुनिया के हर कोने में जब हार्ट ब्रेक होता है तब वहाँ पर एक हीरो पैदा होता है. तो उसी तरीके से मेरा हार्ट ब्रेकअप हुआ और मैंने सोचना शुरू किया. पहले तो एक महीना भर तो रोना सोना, डिप्रेशन, रात रात भर जागना, उठ के भागना, खाना नहीं खाना, ऐसा चला बहुत देर तक. और जिसके साथ में ब्रेकअप हुआ था उसको कोसना, गाली देना, तूने मेरे साथ में धोखा किया, तू बेवफा वगैरह वगैरह, लाभ 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 लाभ. 3 मिनट लिए मैंने कंफर्ट होने में. सो ये सब चलता रहा और फिर सोचा मैंने कि क्या सच्ची में जिसके साथ में मेरा ब्रेकअप हुआ वो जिम्मेदार है इन सब बातों को? तब आंसर आया नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है. इसके लिए यहाँ की सोसाइटी जिम्मेदार है, जो बनाती है कि कौन किससे मोहब्बत करेगा, कौन किसके साथ में रिश्ता बनाएगा, कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, जो यहाँ के लोगों के होने को कंट्रोल करता है. तो फिर मेरी लड़ाई उसके खिलाफ शुरू हो गई वहाँ से, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती, कास्ट, क्लास, जेंडर, इन तीनों की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था. मैं दुय्यम थी, स्त्री की जैसी थी, इसलिए उसने ब्रेकअप करते वक्त मुझे मेंशन नहीं किया. मैं औरत जैसी थी लेकिन औरत नहीं थी, रिप्रोडक्टिव नहीं थी, बहू कहलाने के लायक नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने मुझे रिजेक्ट किया. और लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन दोनों ने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया. तो सबसे बुरा लोग क्या कहेंगे, लोग, इसके रीज़न ढूंढने लग गई मैं. और तब पता चला कि यहाँ पर अगर कोई औरत मर्दाना काम करे या कुछ अच्छा काम करे तो हम उसे ला के सर पे फेटा वगैरह बांध के, हाथ में तलवार वगैरह थमा के उसको मर्दानी घोषित कर देंगे. लेकिन कोई मर्द अगर सेंसिटिविटी का काम करता है तो क्या उसे साड़ी दी जाएगी? क्या उसे
गले में मंगलसूत्र वगैरह पहनाया जाएगा? क्या उसे मातृत्व का श्रृंगार बोल के चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का पहनना द्वियम माना गया है, सेकेंडरी माना गया है। और मैं उन द्वियों में से भी नीचे थी जहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हुई। ये करते करते मैंने जब पढ़ना चालू किया, मुझे लगा कि कहीं पर तो भी मेरे दुख दर्द का जिक्र होगा। यहाँ के साहित्य में मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मेरे प्यार की व्याख्या नहीं है किसी कविता में, मेरे प्यार की कथा नहीं है किसी किताब में, मेरे माँ बाप के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी कहीं लिखा नहीं है। और मैं किस में खुद का प्यार ढूंढ रही थी? फिर सो कॉल्ड सोसाइटी ने बनाए हुए प्यार के जो स्ट्रक्चर है, जो सिनेमा से मेरे पास तक पहुँचे, उनमें मैं खुद को ढूंढ रही थी। और उसकी वजह से मेरा मेंटल डिप्रेशन और बढ़ता जा रहा था। तो क्या करूँ क्या करूँ, इस सब के बीच में मैं भूली गई थी कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट जो बंद पड़ा है कुछ सालों से, उसके आने के बाद में मैंने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो उसका इस्तेमाल फिर से चालू किया और उसके ऊपर कुछ भी लिखने लगी, जो दिल को लगता है वो लिखने लग गए। लोग अप्रोच होते गए। फेसबुक अकाउंट मैंने पहले एक एनजीओ के लिए ओपन किया था जिसमें आउटरीच वर्कर बोल के मैं काम करती थी, लोगों को जमा करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि एचआईवी क्या होता है, कंडोम कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा। काम छूटने के बाद में वो फेसबुक अकाउंट भी बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद में मैंने कागज़ पर लिखने से अच्छा फेसबुक पर लिखना शुरू किया और लोग अप्रोच होते गए। फिर पता चला कि मैं जो लिख रही हूँ उसको लोग कविता कहते हैं, और उससे मेरी एक नई पहचान मुझे सोसाइटी ने दी, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की मोहब्बत थी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के माँ बच्चे का प्यार था, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हाल हालात थे, उनके दुख दर्द थे, उनकी तकलीफें थी। फिर एक सुदाम राठौड़ बोल के सर है, उन्होंने उनके वांग्मय मंडल का उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया और मैंने कहा मैंने 150 जो कुछ भी लिखा है मेरी भाव भावना के अलावा वांग्मय में मेरा हिस्सा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपका ही हिस्सा बहुत बड़ा है, आपने एक नई शुरुआत की है जिसमें लोक वांग्मय में आपने ट्रांसजेंडर्स की भावनाओं को इंक्लूड किया है, सो आप आइए। बहुत दो तीन बार नकारने के बाद मैं गई, उस प्रोग्राम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बच्चों ने उसके होने के बाद में, दो एक घंटा बात करने के बाद में, जब बच्चे मेरे को बोलने लगे कि दीदी सॉरी, इसके बाद में हम किसी ट्रांसजेंडर के साथ मिसबिहेवियर नहीं करेंगे, दीदी सॉरी मैं आज के बाद में कभी ट्रांसजेंडर से डरूंगी नहीं, डरूंगा नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि अरे बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में है जो लोगों को पता ही नहीं है कि हम जीते कैसे, हम पैदा कैसे होते, हमारे माँ बाप कौन होते, हम रहते कहाँ पर है, हम मरने के बाद दफनाए कहाँ जाते, ऐसे बहुत सारे सवाल जो नेक्स्ट जनरेशन के दिमाग में है, उनके सवाल उनके पास है नहीं। और गूगल पे गलत फहमियाँ भरी हुई है, जूते से मारते, चप्पल से मारते, आधी रात को खींच के लेके जाते, रुपया लिया तो अच्छा होता है, और हरा धान देंगे तो शादी हो जाती है, उनकी दुआ लेंगे तो, अरे अगर मेरी दुआ से बच्चे होते तो क्या ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट की, क्या ज़रूरत है साइंस की, क्या ज़रूरत है शादी करने की। इस दैवीकरण ने मेरे पेट भरने की सुविधा तो करके रखी थी, लेकिन उसके साथ में जो अकबर की एक स्टोरी है जिसमें बकरी का वजन बढ़ना भी नहीं है और बकरी मरनी भी नहीं चाहिए, तो शेर के बांध में सामने बांध देते हैं और उसको अच्छा घास खिलाते, शेर सामने होने की वजह से कितना भी घास खाए बदन को लगता नहीं है। उसी तरीके से मेरा दैवीकरण इस तरीके से किया गया था कि मैं जिंदा तो रहूं पर इंसान कह के नहीं, कम्युनिटी की जो आम लोग हैं उन लोगों की सुविधा के लिए जिंदा रहूं, उनकी सुविधा के लिए जिंदा रहूं, उनके मनोरंजन के लिए जिंदा रहूं। आज टीवी है, 500 साल के पहले मही नाचती थी आप लोगों के लिए, रायरंद होगा, भटकी जनजातियाँ है, जमातियाँ है, हिजड़ा है कल्चर, हमने कला का उस उपासना किया है उस वक्त, आज आपके सामने एक से एक कलाकार है, सो हमारी कला को वैल्यू नहीं रहा। और जब हमारी कला का कोई कीमत नहीं था तब कला को तुच्छ माना, नाचना का, औरतों ने नाचना तुच्छ माना जाता था। जब उसमें इनकम जोन आ गया, पैसा आ गया,
तो उसे श्रेष्ठ माना गया, फिर उसमें से हमको बाहर निकाला गया और खुद इंटर हो गए सब। तो उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन मेरे सामने आ गए और मैंने एक मुहिम चालू की। मैंने कहा कि मैं अभी जहाँ जहाँ मुझे बुलाएंगे वहाँ वहाँ जाऊँगी, क्योंकि बड़ा कुछ नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी एक दिन में अपनी रोजी रोटी छोड़ के तो छोड़ने से रही। बदलाव के लिए उनको 5000 साल की गुलामी की पूरी बेड़िया तोड़ के बदलाव लाना था, तो एक दिन में तो तय नहीं था। इसमें एक किस्सा याद आया कि जब मैं पैदा होने वाली थी और मेरे मम्मी पापा स्लम एरिया में रहते थे, तो उन्होंने ना मेरे पैदा होने से पहले रूम बदल लिया, टीचर्स कॉलोनी में रूम लिया भाड़े से, जो कि मेरे पापा के जेब को परवड़ता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो रूम लिया, क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले उसकी आजू बाजू की सोसाइटी हम अच्छी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि 5000 साल से गर्भ में बैठी हुई मेरी जो कम्युनिटी है, इसको अगर सोसाइटी में लाना है तो पहले सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, उनके दोस्त अच्छे होने चाहिए, उनके नेबर अच्छे होने चाहिए, उनके माँ बाप अच्छे होने चाहिए, उनकी टीचर अच्छे होने चाहिए। इन सब को जेंडर सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वो काम मैं मेरे लिखने से, जिसमें से मैंने दिव्य मराठी में एक साल भर LGBT के प्रश्नों को लेके एक कॉलम लिखा, उसके बाद में बहुत जगह पर दिवाली अंक के वो सब जहाँ मुझे चांस मिला वहाँ पर मैंने LGBT कम्युनिटी के प्रश्न रखना शुरू किया, जिसमें से बच्चों में बहुत अवेयरनेस आया। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स कहने लगे कि 377 चैप्टर हमारे लिए तो 15 मिनट का चैप्टर था, आपने इतने डिटेल्स में बताया कि ये हमको भी कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सब लोग जब लेक्चर, हर लेक्चर में जब लेक्चर ख़त्म होता है तो बच्चे बोलते कि आई वॉन्ट हग यू। मुझे लगता है ना कि ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट हग यू, मैं आपको हग करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है। जिस हिजड़े को रास्ते पे खड़े रहने के बाद में हम इग्नोर करके साइड चेंज करके जाते, नहीं बाबा गले पड़ जाएगा, उसको कोई तो भी कह रहा है कि मैम आई वॉन्ट हग यू, मुझे मेरे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव को कंटिन्यू करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमारी मानसिकताएँ बदलनी पड़ेगी। जब पहली बार ट्रांसजेंडर अकेला पड़ता है तभी उसके साथ में खड़े रहो, फिर माँ बाप बोल के, दोस्त बोल के, अच्छे टीचर बोल के, डॉक्टर बोल के, आपको जब पता चलता है कि आपके साथ वाला कोई तो भी इस रास्ते का राहगीर है तो उसके साथ में खड़े रहिए। मैं एक कविता बोलूँगी इसी सब प्रॉब्लम्स को लेके, जो कि मैं कुछ जो भी जीती हूँ उसमें मैंने लिखने की कोशिश की है, वक्त का तकाजा है इसलिए मैंने वो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की और आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगी। ये मराठी में है। तिचं अर्धवट स्त्रीयत्व त्यांच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून तिला प्रवाहातून बाहेर उभं केलं सहस्त्रावधी वर्षांपासून। स्वाहा। कुणीतरी अखंड सौभाग्याचं कुंकू लावलं भाळावर तिला देवाच्या स्वाधीन करून। स्वाहा। कुणीतरी मग त्या देवपत्नीच्या पायात घुंगरू बांधली, कुणीतरी मग त्या देवपत्नीच्या पायात घुंगरू बांधली आणि तिला नाचवलं गावाच्या मनोरंजनासाठी। स्वाहा। तिला त्या अपमानाचं शल्य बोचू नये म्हणून दैवी घोषित केलं। स्वाहा। कधी ती देवळात देवीचे तर कधी जनानखाण्यात राण्यांचे लुगडे धुत होती। स्वाहा। तिचा जन्म देवाने लोकांच्या कल्याणासाठी, आनंदासाठी, मनोरंजनासाठी आखला आहे असंच तीही मानत होती। स्वाहा। ती जन्मालाच यायची पापाची फळं चाखण्यासाठी, ती जन्मालाच यायची पापाची फळं चाखण्यासाठी, पण ते पाप त्यांचं ती स्वतःच्या भाळावर घेऊन जगत होती। स्वाहा। आज मात्र चित्र बदललंय, आज मात्र चित्र बदललंय तिचं नाही तिच्या शोषण पद्धतीचं। स्वाहा। कुणीतरी उपभोगून तिचा खून केला, देह गटारात खाडीत तर कधी तसाच अंथरुणात सोडून दिला। स्वाहा। परवा ट्रेनमध्ये भीक मागणारी ती चालती ट्रेन सोडताना कमरेतून दोन हिश्श्यात विभागल्या गेली। स्वाहा। समज आली तिला, शिक्षितही झाली ती, पण शोषण अटळ म्हणून मानसिकरित्या हरली आणि कंटाळून फासावर गेली। स्वाहा। उमेदीच्या पहाटेसाठी स्वातंत्र्याच्या क्षितिजासाठी परत ती नव्याने जन्माला आली आहे, पण आता ती सहस्रावधी वर्षाच्या या शोषणाच्या यज्ञात स्वतःची आहुती द्यायला नकार देते। आता ती आणि तिच्या पिढ्या होणार नाहीत। स्वाहा। माझ्या हजारो पिढ्या स्वाहा झाल्यात,
कर्मकांडाच्या नावावर, दैवीकरणाच्या नावावर, मनोरंजनाच्या नावावर, पितृसत्तेच्या नावावर, योनिसुचितेच्या नावावर लाभ लाभ लाभ, कारणं हजारो आहेत. या सगळ्या कारणांवर उत्तरं शोधायची आहेत आपल्याला. इन सब कारणों के हमें उत्तर, सवालों के जवाब ढूंढने हैं. और इन सवालों के जवाब ढूंढने में आप सभी मेरे साथ में खड़े रहेंगे. और ये तितली उड़ उड़ के हर घर तक पहुंचेगी, ये उम्मीद रख के मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपकी शुक्रमंद हूँ. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.